आज के इस वाले वीडियो का ये दोस्तों ये पार्ट टू होने वाला है। दोस्तों ये वाली जो वीडियो है इसमें आपको पता लगने वाला है 600 वॉल्ट के ऊपर के दोस्तों जो हमारे स्पीकर्स आते हैं इनकी कैसी आवाज़ होती है। दोस्तों ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप एक स्पीकर लेने जा रहे हो तो। अगर वो 600 वॉल्ट से ऊपर है तो आपको पता लग जाएगा कि 600 वॉट से लेके हम लोग यहाँ पे समझ चलिए 2000 या 2100 वॉट तक के स्पीकर्स और सबवूफर्स की बात करेंगे कि इनकी कैसे आवाज़ है, किसमें आपको अच्छा बेस मिलता है, कितने किसमें अच्छा आपको पंच मिलता है। और दोस्तों अगर आपको 600 वॉट के ऊपर से स्पीकर या सबवूफर्स खरीदने और आपको नहीं पता उनकी आवाज़ कैसी होती है, कितने वॉट के स्पीकर की आवाज़ कैसी होती है 600 से 2000 या 2100 के बीच के वॉटेज में, तो ये वाली वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों ये पार्ट टू होने वाला है। दोस्तों इसका पार्ट वन मैंने बना रखा है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हो, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। दोस्तों वो पार्ट वन है, उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे मान के चलिए 100 वॉट से 500 वॉट तक के स्पीकर्स के पास कैसी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और उस वाली वीडियो को आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आपको आई बटन मिल जाएगी, वीडियो जाके देख लेगा। और ये वीडियो पार्ट टू होने वाला है, तो मैंने उस वाली वीडियो को बताया था दोस्तों आपको पार्ट टू मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो मैं मुझे लगता है आपका बिना कुछ टाइम गवाया है। दोस्तों मैं पहली बात बता दूँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर बात करना चाहते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख जाएगा और टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा। तो बस दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन, इसी टिप्स को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 600 वॉट के स्पीकर की दोस्तों यहाँ पे हम लोग वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा 600 वॉट का स्पीकर। दोस्तों ये आपके सामने दे रखा है एक प्रोटेक का 600 वॉट का स्पीकर। दोस्तों इसके अंदर क्या खासियत होती है कि अगर आप एक 1200 वॉट का टॉप तैयार करवाना चाहते हो या फिर एक सिंगल 600 वॉट का तैयार करवाना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लॉन्ग रेंज के लिए। और इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे बढ़िया पंच मिलने वाला है, बेस्ट हाई पंच बेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा पंच मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ट्रेबल आपका गायब हो जाएगा, ट्रेबल बिल्कुल माइनस में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपका ट्रेबल यहाँ पे गायब हो जाने वाला है, मिड्स आपकी लो हो जाएंगी, यानी कि जो आपकी वोकल्स होती हैं, आवाज़ आती है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाने वाली। लेकिन दोस्तों ओवरऑल स्पीकर काफ़ी अच्छा रहता है, अगर आप 1200 वॉट तैयार करते हो, 600 वॉट सिंगल तैयार करवाते हो तो आपके लिए फ़ायदा है। तो आप देख सकते हैं अगर आप 600 वॉट लेने जा रहे हो तो ऐसा होगा आपका 600 वॉट का स्पीकर। दोस्तों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्पीकर की। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है यहाँ पे 1000 वॉट का स्पीकर। अब दोस्तों यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है टॉप में। जी हाँ दोस्तों, मैंने टॉप का नाम लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग एक सिंगल 1000 वॉट का तैयार कराना चाहते हो तो पेयर, तो आपका 2000 वॉट बन जाता है। तो ये आपका बेस के लिए बेसिकली यूज़ होता है। ये दोस्तों 15 इंच में 1000 वॉट का स्पीकर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सॉरी, एक नोटिफिकेशन आ गया था। दोस्तों ये आपको मिल जाएगा आपका 1000 वॉट में। दोस्तों यहाँ पे ट्रेबल बिल्कुल माइनस माइनस डबल माइनस में चला जाएगा, यानी कि ट्रेबल देखने को नहीं मिलेगा, मिड भी आपके गायब हो जाएंगे, बेस ज़्यादातर सुनाई पड़ेगा, हार्डनेस बेसनेस जो ज़्यादा आएगी वो आपको उसमें मिल जाने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्पीकर की। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है 1650 वॉट का एक सबवूफर। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक ये यहाँ से हमारी 1000 वॉट के ऊपर सी सबवूफर्स की स्टार्टिंग हो जाती है 18 इंचेस में। देखिए दोस्तों 18 इंचेस में हमारे सबवूफर्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। सबसे पहला होता है 1650 वॉट का। दोस्तों इसका एक अहूजा का भी आता है, रेडीमेड आता है, आप चाहो तो उसको घर पे भी बना सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि दोस्तों अगर आपको एक सिंगल बेस तैयार कराना है, सिंगल पेयर या फिर सिंगल बेस, तो आप इसको खरीद सकते हो 1650 वॉट के। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको कैसे यूज़ करोगे। यहाँ पे ट्रेबल बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए देश की दोस्तों बिल्कुल ट्रेबल नहीं है, मिड भी बिल्कुल गायब हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो ये 18 इंच के सबवूफर को 1650 वॉट के, तो यहाँ पे आपको टॉप लगाना ही पड़ेगा। आप चाहे आप टॉप और आपको वो टॉप मान के चलिए 1000 वॉट के अंदर लगाना पड़ेगा, तो 1000 वॉट के अंदर का एक दो टॉप लगा सकते हो और ये वाले दो बेस लगा सकते हो, बहुत अच्छा डीजे सेटअप आपका बन जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सबवूफर की।
जी हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा आता है 2000 वॉट का सबवूफर। जी हाँ दोस्तों, अब इसको आप डुअल में भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल में भी यूज़ कर सकते हो। सिंगल में आपको 2000 वॉट का मिलेगा सिंगल बेस, डुअल में आपको 4000 वॉट का मिलेगा एक स्पीकर आपका बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने लिखा हुआ है फॉर ऑल बेस टाइप सुपर बेस प्लस प्लस प्लस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा आपका पंच मिलने वाला है, यानी कि अगर आपको पंच चाहिए अपने डीजे में बेस में, तो ये 2000 वॉट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पंच लाने में। यहाँ पे आपको एम्पलीफायर भी बड़ा लगेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको पंच बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। अभी हम लोग स्पीकर की बात करते हैं, सिंगल में भी यूज़ कर सकते हो, डुअल में भी यूज़ कर सकते हो, पेयर भी बना सकते हो, कुछ भी करो, ट्रबल बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिड भी कम हो जाएगा। इसको अगर आप लोग एक 18 इंच 2000 वॉट का सबवूफर लगाते हो, तो आप 1000 वॉट के अंदर के स्पीकर्स लेने पड़ेंगे, यानी कि 500 वॉट का एक स्पीकर एक टॉप में फिट करवा के 1000 वॉट का टॉप बना लो। तो ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको अपने तरफ से बता दूं तो 1000 या फिर 900 या फिर 800 वॉट के अंदर के स्पीकर लीजिए, अगर आप 2000 या 1650 वॉट का 18 इंच का सबवूफर की इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा सेटअप का बन जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ सबवूफर्स और स्पीकर्स बताए हैं कंटिन्यू में। दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा कंटिन्यू कर दिया 2000 वॉट तक के। दोस्तों, मैक्सिमम लोग 2000 वॉट तक के लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जो आप मानो। तो बस दोस्तों, ये वाली वीडियो का अभी एंड होता है। दोस्तों, ये इसका पार्ट टू था, काफ़ी छोटा बनाना चाहता था मैं। तो बस दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, उसका भी पार्ट 1 और 2 आपको मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको अपने डीजे के लिए स्पीकर्स को चुनना है, इस्तेमाल करना है। तो बस दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।